मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है ज्योतियाव्रत, जिसे ज्योति पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल राष्ट्र में अति प्रसिद्ध एवं पवित्र पर्व ज्योतिया कब है और इसका पारण कब है, इसको लेकर थोड़ा विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ पंचांगों में 21 सितंबर को बताया जा रहा है तो कुछ में 22 सितंबर को बताया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को रखा जाता है, जिसमें मध्याह्न का समय, जिस अष्टमी तिथि में मध्याह्न का समय हमें प्राप्त हो जाए, उस तिथि में ज्योतिया का यह अति पवित्र पर्व रखा जाता है। माताओं द्वारा अपने बच्चों के सौभाग्य, दीर्घायुष्य एवं जीवन की रक्षा के लिए, कुशलता के लिए यह व्रत किया जाता है। यह अत्यंत कठिन व्रतों में से कठिन व्रत है। इसका कुछ कठिन नियम है जिसका पालन माताओं द्वारा किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि यह व्रत कब किया जाएगा। जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु ग्रंथ हैं, उसके अनुसार इस व्रत का निर्धारण कैसे होगा, कब होगा, इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो अष्टमी तिथि उदयकालिक अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 22 सितंबर 2019 दिन रविवार को, क्योंकि अष्टमी तिथि शनिवार को अर्थात 21 सितंबर को दिन में 3:30 से आरंभ होगा। जो अगले दिन अर्थात 22 सितंबर दिन रविवार को 2:29 दिन तक व्याप्त होगा। ऐसे में जो हमें मध्याह्न का अष्टमी का जो तिथि प्राप्त हो रहा है, उदयकालिक अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, वह प्राप्त हो रही है 22 सितंबर दिन रविवार को। तो इस प्रकार निर्विवाद रूप से इस व्रत का जो निर्धारण होगा, इस व्रत को रखने की जो तिथि होगी, जो दिनांक होगा, वह होगा 22 सितंबर दिन रविवार अष्टमी तिथि। इस दिन जो योग बन रहा है वह योग है मृगशिरा नक्षत्र सुबह 8:08 तक व्याप्त होगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगी। व्यतिपात योग है, सौभाग्य योगा है और अष्टमी का श्राद्ध भी इसी दिन होगा। इस प्रकार माताओं द्वारा इस व्रत को 22 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिससे खर ज्योतिया कहा जाता है। क्यों खर ज्योतिया कहा जाता है, इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो एक दिन पहले सप्तमी तिथि में माताओं द्वारा स्नान करने के बाद एक बार भोजन किया जाता है, उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाया जाता। जब भी वो स्नान करेंगे उसके बाद एक बार भोजन करेंगे और अगले दिन निर्जला इस व्रत को करेंगे, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक। इस प्रकार यह व्रत अत्यंत कठिन हो जाता है। तो शनिवार को, जिसे नहाई खाई वाला दिन कहा जाएगा, नहाई खाई को स्नान करने के बाद एक बार भोजन किया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं ग्रहण किया जाएगा माताओं द्वारा, और 22 सितंबर को निर्जला इस व्रत को किया जाएगा और इसका पारण होगा वह 23 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय के बाद। इस प्रकार यह 3 दिवसीय चलने वाला अत्यंत पवित्र पर्व, पवित्र व्रत 21 सितंबर से आरंभ होकर 23 सितंबर की सूर्योदय के बाद समाप्त होगा। इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है, जो
माताओं को उत्तम फल की प्राप्ति कराएंगे, वह कैसे हैं, किस प्रकार हैं, इसकी चर्चा कर लिया जाए। तो इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है वह चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, सूर्य कन्या राशि में, मंगल सिंह राशि में, बुध और शुक्र कन्या राशि में गोचरीय संचरण कर रहे होंगे, बृहस्पति वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, शनि और केतु का जो संचरण होगा वह धनु राशि में होगा, राहु का जो गोचरीय संचरण होगा वह मिथुन राशि में होगा, बुध अपनी उच्च राशि में होंगे। तो निश्चित तौर पर इस फल के महत्व में इस दिन वृद्धि होगी, माताओं को उत्तम फल की प्राप्ति होगी, उनके व्रत का जो फल है वह अक्षय होगा और अवश्य मिलेगा। यहां एक बात और स्पष्ट कर दें, आश्विन कृष्ण पक्ष जो है वह पितरों को याद करने का सर्वोत्तम समय है। वर्ष भर में यह जो अवधि है वह पितरों को याद करने की अवधि है, पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने की अवधि है। तो इस दिन अष्टमी का श्राद्ध हो, जिन लोगों के पितरों के देहांत अष्टमी तिथि को हुआ होगा वह इस दिन अष्टमी का श्राद्ध भी मनाएंगे और माताओं द्वारा इस अत्यंत कठिन व्रत को किया भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर उनके पूर्वजों का शुभ आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होगा और उनके पुत्रों का, उनके संतान की कुशलता होगी, कुशलता में वृद्धि होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसी कामना के साथ कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं, सभी माताओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों,